आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गैज मैं बात करूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में गैज मैं आपको बताऊंगा कि माई 11 सर्कल में दो टीम कैसे क्रिएट करेंगे। कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताइए कि मैं माई 11 सर्कल में एक ही मैच में दो टीम लगाना चाहता हूँ, वो भी अलग अलग टीम लगाना चाहता हूँ, तो गैज मैं यहाँ पर कैसे लगाऊँगा। जैसे गैज यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, आज का जो मैच है गैज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सिंपल इस मैच में जाते हैं और इस मैच में जाने के बाद गैज यहाँ पे देखेंगे कि मैंने गैज यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन टीम क्रिएट किए हैं। सबसे पहले गैज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टीम नंबर वन, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टीम नंबर टू, और यहाँ पे गैज यहाँ पे देखेंगे टीम नंबर गैज यहाँ पे थ्री आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल मैंने गैज यहाँ पे तीन टीम क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में गैज मैं आपको बताऊंगा कि दो टीम कैसे क्रिएट करना है। आप चाहे तो चार टीम क्रिएट कर पाएंगे, आप चाहे तो पांच टीम क्रिएट कर पाएंगे, आप चाहे तो 10 टीम क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में शुरू करते हैं कि गैज यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे दो टीम क्रिएट करेंगे माई 11 सर्कल ऐप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैज यहाँ पे देखिए, मैंने गैज यहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में दो टीम क्रिएट कर रखे हैं, तीन टीम। तो चले गए इसमें एक यहाँ पे कोई अलग मैच में गए, मैं आपको टीम बनाना सिखाता हूँ। जैसे गए यहाँ पे देखेंगे 22 मिनट के बाद गए यहाँ पे मैच स्टार्ट होने वाला। सिंपल इसमें जाता हूँ जिसमें गए यहाँ पे देखेंगे मैंने एक भी टीम मैंने गए यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए नहीं है। अब बताते हैं कि मैं इसमें कैसे आपको दो टीम क्रिएट गए यहाँ पे करना है। सबसे पहले गए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है क्रिएट टीम का। सिंपल इस ऑप्शन में जाएंगे। इसमें जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, यहाँ पे गए दिखेगा बॉलर। तो सबसे पहले विकेट कीपर में गए मैं ले लेता हूँ दो, बैट्समैन में गए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चार, ऑलराउंडर में गए मैं ले लेता हूँ दो, और गए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए मेरा 11 प्लेयर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे गैज आप यहाँ पे अपना टीम भी देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से गैज आपका प्लेयर लगा हुआ है। सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप करेंगे, यहाँ पे मैंने चूज किया कैप्टन और मैंने चूज किया वाइस कैप्टन। सिंपल सेव टीम पे टैप करेंगे और यहाँ पे गैज आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे टीम नंबर वन तैयार हो गया है। इस प्रकार से गैज आप यहां पे अपना एक टीम क्रिएट कर पाएंगे। आप चाहे तो गैज यहां पे कॉपी वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल कॉपी के ऑप्शन पे टैप करेंगे और सेम टीम गैज आपका बन गया। सिंपल नेक्स्ट करेंगे और कैप्टन को भी चाहे तो सेम रहने देंगे। सिंपल यहां पे सेव टीम कर देंगे, आपका दो टीम बन गया। लेकिन गैज आपको यहाँ पर फिर से दो नए तरीके से बनाना है तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट टीम पर जाएंगे। मैंने एक लिया विकेट कीपर, मैंने गए यहाँ पे चार लिया बैट्समैन, मैंने गए यहाँ पे तीन लिया मैंने गए यहाँ पे ऑलराउंडर, और मैंने गए यहाँ पे तीन लिया मैंने गए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया बॉलर। सिंपल नेक्स्ट करेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन गए मैंने चूज किया। सिंपल सेव टीम पे टैप करेंगे। तो इस प्रकार से गए यहाँ पे देखेंगे मैंने गए यहाँ पे कितने सारे टीम क्रिएट किए, टीम नंबर वन, टीम नंबर टू, टीम नंबर थ्री। तो इसी गए यहाँ पे प्रोसेस से आप गए यहाँ पे टीम लगा पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब टीम में पैसे कैसे लगाने हैं अलग अलग टीम में, जैसे यहाँ पे 49 का ऑप्शन है, सिंपल 49 में जाएंगे। आप चाहे तो गए यहाँ पे तीनों में पैसे लगा पाएंगे, जैसे गए यहाँ पे 1, 2, 3। अगर चाहे तो आपको दो में लगाना, सिंपल दो को टिक करना है। अगर आपको एक में लगाना, सिंपल एक में टिक करेंगे और ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर टैप करेंगे। यहाँ पर सिंपल ज्वाइन कॉन्टेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे माई कॉन्टेस्ट में जाकर मेरा गैज यहाँ पे एक टीम लग चुका है। तो कुछ इस प्रकार से गैज आप यहाँ पे माई 11 सर्कल में दो टीम क्रिएट कर पाएंगे, वो भी अलग अलग। वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।